अपने पशुओं को लेके वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। पुराने तरीके से जैसे घर बने होते थे वैसे ये वाले घर है। काजल दी है, काजल दी क्या करे भाई? हेलो गाइस, मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। जो विलेज लाइफ है बहुत ही खूबसूरत है और आज के जो युवा पीढ़ी है कितनी जिम्मेदार है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अब यहाँ पे ये बाल्टी लेके स्टैंड लेके मैं चला काम करने के लिए। और ये हमारे आज के सुबह की शुरुआत। अरे खुल नहीं रहा भाई, जोर मत लगा। मेरी बछड़ी खुल चुकी है सुबह और ये हमारा ब्लॉग यहीं से शुरू होता हुआ। चल गुड मॉर्निंग। अंदर नहीं घुस, पीटेंगे तेरे को। चल बाहर कर, अंदर कहाँ जा रही है? हेड कहाँ बांटना में? ए बिशा बोसो। मक्खन निकाल दिया? ना कर दिया आप। बिशा भी रहते हैं। क्या बोलते तील? ऐसे बांग चले। अच्छे ना इंदन। ये तो इजी ही नहीं हो, धोनी हो तो बस। ये पुदीना? पुदीने में धोनी। अच्छा धोनी को छोई नहीं। कम करे वो। तो ये पापा घास को ले जाते हुए भिगो के ले आ रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं गाय के लिए। अब एक खिंचा पूंड पूजे। तो ये यहाँ से देखो बिंडा कितना दूर रखा हुआ घास का हमने, वहां तक भी पहुंचाती है। और ये हमारा मोतू मोती। ले 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 ले
ये ले भाई पी लिया, अब तो पी रही है। आप देख सकते हैं पापा पापा लगा रहे हैं भैया हमारे जो किचन है, किचन को लॉक करके हम जा रहे हैं अभी अपने बगीचे की ओर। और इस साइड ये हमारे कमरे हैं और ये आगे माताजी, आप देख सकते हैं माताजी भी हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने बगीचे की ओर और आपको मैं दिखाने वाला हूं बैक साइड में अपना बगीचा। ये आप देख पा रहे हैं जिसमें स्पेस फेर लगा हुआ है, ये चूना लगा हुआ है और मैं यहां पे आया हूं एक विशेष काम से। गांव में हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए होते हैं, तो ये बगीचे का काम है। आप देख सकते हैं चूने को यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से बाल्टी में घोल दिया और ये है यहाँ पे झाड़ू और इसका स्पेशल झाड़ू बनाया होता है हमने ये, तो इसे हमारे शुईटा कहते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। तो इसकी सहायता से मैं जो तने हैं सेब के उन पे चूना लगा रहा हूं ताकि इसको हम कीट से बचा सके। देख सकते हैं यहाँ पे अब शाम का समय है, संध्या का समय, तो अब इसमें अब लोग अपने पशुओं को लेके वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो मतलब गाँव की लाइफ ऐसी होती है, वंडरफुल लाइफ। कभी आपको भी इंजॉय करना हो तो प्लीज मेरे गांव जरूर जरूर आए। तो फिर चलते आगे। और भाई कार्टून कहाँ से आई भाई, छाता लेके कहाँ जा रही है, जल्दी जल्दी बोलो कहाँ जा रही है, हैं? क्यों बारिश तो हो नहीं रही, बारिश तो हो नहीं रही, छाता क्यों चलाया हुआ है? कुड़ू कुड़ू ढूंगा शुदा, बाकी तो बढ़िया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है कुकड़ान कुकड़ी मुर्गान मुर्गी ये गांव की लाइफ। मैं आपको अपना गांव दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये अखरोट का पेड़ है और ये घर देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैक्सिमम घर को छोड़ के हम दूसरे घर जगह पे बसे हुए हैं, तो ये घर यहाँ पे, ये घर मेरा गांव वाला घर है। तो ये काफी पहले बना हुआ था, लगभग 1992-93 में बना हुआ ये वाला घर हमारा पुराना सा। तो इसमें चार कमरे थे, तो अब हम यहाँ पे नहीं रहते हैं और हमारा घर अब दूसरा है गांव वाला, जो आपको मैंने इस वीडियो में इससे पहले दिखाया था। तो अब हम चले यहाँ से हल्के से आगे। तो ये हमारा यहाँ पे पुराना घर है और ये यहाँ पे मेरे कजन का घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी अब कोई नहीं रहता है, तो यहाँ पे बकरी माती हुई है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने तरीके से जैसे घर बने होते थे वैसे ये वाले घर है। अब बाकी मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, मतलब कि नियर बाय जो रोड साइड की ओर उतर चुके हैं सारे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ गाय और बच्चे यहाँ पे माता हुआ है। और ये यहाँ पे हमारे हल्का सा खेत, छोटा सा खेत था, और ये नाशपति का पौधा और यहाँ पे ट्रांसफार्मर। और यहाँ से एक गांव नीचे दिखता है, तो उस गांव में हम बसे हुए, काफी नीचे दिखता है यहाँ से नीचे, वहीं पे सबके घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही मेरा गांव, और अभी मैं गांव में पहुंचा हुआ हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे क्या क्या काम का चला हुआ है। काजल दी है, काजल दी क्या करे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव की लाइफ अभी भी वैसी है।
जैसे कि लोग चर्चा किया करते थे कि गांव ऐसा होता था वैसा होता था, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी अभी भी देखने के लिए। तो इसमें क्या है, मिट्टी भी है साथ में, मिट्टी और गोबर हैं। तो मिट्टी और गोबर से इसकी खूब लिपाई की जा रही है। वो भी बात है, मतलब कि हमारा गांव किसी मॉल और रिच से कम नहीं है, मतलब भाभी यहाँ की चक्कर लगाते रहते हैं पार तक का ये रिच का। और ये है मेरे बहन जी, और ये है छोटे भांजू एंड भांजी, और साथ में एक भतीजी भी दिख रही है मेरी छोटी सी क्यूट क्यूट सी। क्या नाम है भाई, क्या नाम है भाई, क्या नाम है? बोल सोमू। तो अब हम चले अपने घर की ओर। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग।